आज की ट्रेनिंग्स में क्या होता है, आज की ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको पता है कि अगर आपने इस कंपनी में नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप इस कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखो वो छोड़ के गए थे, आज देखो कहाँ है, वो पाव भाजी का ठेला लगा के बैठे। आप वो देखो वो गोलगप्पे बेच रहे हैं, देखो वो सेटल है, आपने किसी का नाम सुना। तो ट्रेनिंग नहीं हो रहा, डराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे 19-20 साल के बच्चों को डराया जाता है, उनके दिमाग से खेला जाता है, उनको डराया जाता है, ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना छोड़ पाते हैं। छोड़ते हैं तो सोचते हैं यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में डाल दिया गया और आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या होता है, उनका टाइम भी निकलता रहता है, एंड वो अपना डिसीजन इतने कॉन्फिडेंटली ले ही नहीं पाते। और ये मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बता रहा हूँ। आज के टाइम में ट्रेनिंग्स ये नहीं है कि ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की बात करें कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज के टाइम पे लोग सर्वाइवल की, मेरी टीम छोड़ना, लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि लोग मेरी टीम छोड़ ना जाए तो क्या होता है, दूसरों के बारे में बुराई करना और अपनी एग्जिस्टिंग टीम को डराना। डराओ उनको, इतना डराओ कि वो छोड़ ना जाए। और डराना क्या है, अगर आप चले गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही यही नहीं कर पाए तो क्या कुछ हो ही नहीं पाएगा आपका, आप जीरो, आप अपने माँ बाप पे कलंक, ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। सो मेरा मानना ये है, ट्रेनिंग हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। ट्रेनिंग मीन्स यू नीड टू मेक पीपल लर्न एंड दे शुड लर्न सम न्यू थिंग्स एवरी टाइम दे आर कमिंग फॉर ट्रेनिंग एंड दे शुड इम्प्लीमेंट इट टू इम्प्रूव द बिजनेस। बट वॉट दे आर लर्निंग राइट नाउ, इट्स ऑल अबाउट वो क्या सीख रहे हैं, सिर्फ डर, उनको डराया जा रहा है, उनके दिमाग से खेला जा रहा है, एंड दे आर बिकमिंग डम पीपल नाउ। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सर ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, मुझे थोड़ा ये बताइए, ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए? मैं इसी चीज पे आऊंगा सर। पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं, आपकी डर वाली ट्रेनिंग से। तो मैंने एक बार पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी तो मुझे बोला गया डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो मैंने कहा सर कंपनीज बनने में तो भी लग जाएंगे 6 महीने साल भर, तब तक डेरे कह लें हम खुद को कि हम डेरे चला रहे और बाबा बन के बैठे हुए हैं। तो वो भक्तों को बोला जाता है कि जो भी बाबा जी को छोड़ के गया ना उसके ऊपर परमात्मा की कृपा खत्म हो गई, वो धक्के खाने लगा, वो गरीब हो गया। फिर आपने वो पढ़ी है सर सत्यनारायण की कथा, और वो हाँ एक जी, हाँ जी, पैम्पलेट आया होगा कभी आपके घर पे कि इस पैम्पलेट को एक ने 10,000 पैम्पलेट बनवा के बांट दिया, उसको गड़ा हुआ खजाना मिला, नौकरी मिल गई, एक ने गलती से ये फालतू समझ के कर दिया, उसके घर में सांप निकल गया, ये हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है ना सर, वो मुझे वो बचपन के कार्ड की याद दिलाती है। मुझे जब मैं गाँव में था ना रोज कार्ड आ जाता था, इस कार्ड को 1,000 बनवा के बांटो तो खुशखबरी मिलेगी, अगर 10 लोगों तक नहीं पहुंचाया आज शाम तक ही कुछ सत्यानाश हो जाएगा। सर व्हाट्सएप मैसेज आदि आते हैं और मेरे पापा मुझे भेज देते हैं कि पापा, मुझे क्यों भेज देते, 10 को नहीं भेजा, मैंने कहा पापा आपको क्या हो गया। तो ऐसे आदि आते हैं कि अगर आपने 10 को नहीं भेजा तो कुछ गलत होने वाला आपके साथ। मैंने कहा तो मेरे साथ क्यों गलत करवा रहे हैं, मुझे क्यों भेज। तो आज भी होता है और ये डर से खेला जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, बड़े अच्छे इनोसेंट बच्चे हैं जो शायद जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते थे। कई बार होता है कि यू आर इन सच अ सिचुएशन दैट यू वांट टू मूव ऑन इन लाइफ, बट वो उनको ऐसा उनके माइंड के साथ खेला जाता है कि बच्चे आगे डिसीजन ही नहीं ले पाते और वो उल्टा दे आर बिकमिंग रॉटन एग्स, वो ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे, और वो डर गए हैं और वो डम बन गए, डम डम पीपल नाउ। नहीं, थोड़े दिनों में ये मैसेज आएंगे सर कि अगर आपने फला फला कंपनी छोड़ी और आपने 10 लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया, ज्वाइनिंग नहीं करा, ये भी आएगी ट्रेनिंग एक दिन। जब सब कुछ काम नहीं करेगा तो ये काम भी करवाएंगे वो नहीं बिल्कुल, जैसे तो। आपने भी बताया था कि एमएलएम में नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं तो लोग कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों है? तो आपने कहा था किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, तो मैं भी यही पूछना चाहता हूँ ऐसे लीडर से जो ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि कहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपकी कंपनी छोड़ी जाएगी तो इंसान सक्सेसफुल नहीं बनेगा। और मैं सर खुद मानता हूँ, मेरे कुछ लोग हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, जो छोड़ चुके थे कंपनी, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल, यूएस में सेटल एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। एक तो बहुत बड़ी कंपनी का स्टार्टअप कर रहा है यूएस में, सिलिकॉन वैली में, बड़ा क्लोज फ्रेंड है मेरा, और उसने अभी $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है एंड ही इज डूइंग अमेजिंगली वेल, एंड ही इज कॉलिंग मी कि तू भी आ जा मेरे साथ। नहीं, तो आप मानेंगे नहीं कि लोग ना इतना आगे बढ़ गए कि मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं स्टैंड करता। तो ये सिर्फ एक मिथ है, ये लोगों को डराने का एक तरीका है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसको अपने पे भरोसा है, जिसको लगता है वो डायरेक्ट सेलिंग से भी कुछ कर सकता है, वो बाहर भी जाके कर सकता है। बट ये जो लीडर्स का जो, और मैं इनको लीडर्स नहीं बोलूंगा, ये जो बेसिकली जो भूत प्रेत की बाबा कहानियां सुनाना चाहते हैं, बाबा बाबा बना बाबा बना के डराना चाहते हैं, वो लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत, और इनके ऊपर जरूर से, दिस इज कर्मा, एक्चुअली दिस इज टोटली रॉन्ग कर्मा। आप किसी को गलत डरा रहे हो एंड दीज आर रियली बैड थिंग एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंपनी, दिस इज हैपनिंग, और ये चीजें बहुत गलत है एक्चुअली।
और दूसरी बात ये है सर जो आपने बोली है, मैं सेकंड उन लोगों की भी बात करूंगा जिनका आपने कहा कि जो डर जाते हैं। सिंपल एक बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति को बोल रहा है कि अगर आपने मेरी कंपनी छोड़ी और मुझे भी लग रहा है कि ये कंपनी में मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर कोई बोलता आप छोड़ोगे और बर्बाद हो जाओगे और इस चीज का यकीन आपको हो जाता है, तो मुझे लगता है आपको रहना भी वहीं चाहिए क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ बिजी हो, आपको लग रहा है कि आपको कंपनी कामयाब कर रही है। कितना बुरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कंपनी कामयाब कर रही है तो इस कंपनी में जितने लोग हैं एक बार उनका डेटा निकालिए ना कंपनी में, इसका मतलब 100 में से 100 लोग कामयाब होंगे अगर कंपनी कर रही है तो। और अगर आप खुद को कामयाब कर रहे हो तो फिर कैसे इस बेवकूफीपूर्ण तर्क में, लॉजिक में आप आ सकते हो कि बॉस जिन्होंने कंपनी छोड़ दी वो बर्बाद हो गए? अरे जिन्होंने करी उनमें से भी 98% बर्बाद है, सिर्फ 1-2% जुम्मा जुम्मा गलती से जो खुद कुछ कर सकते थे ठीक थे। अब अगर कोई इनको सुन के रुका हुआ है सर, तो मैं ये मानता हूं वो भी साइमल्टेनियसली बर्बाद ही है, उसे भी ये पक्का पता है कि मेरे से तो कुछ होना जाना नहीं, क्या पता कंपनी ही कुछ कर दे और मेरा कुछ हो जाए। इंस्टेड इन सब के राइट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ये है सर कि हम शुरुआत से रियलाइज करें, येस्टरडे आई वाज टेकिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने उनको एक ही चीज पूछा कि व्हाई यू आर इनटू डर एक्सेल, एंड उन्होंने बड़ा एक पेज पे प्रॉब्लम्स लिख रखे थे। तो मैंने कहा बॉस एक सिंपल चीज समझना, अगर आप प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं तो बेसिक एक चीज समझ लीजिए, इफ यू कैन बी अ सेलिब्रिटी, इफ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिग बिजनेस एंड इफ यू कैन गो इन सम गुड पोजीशंस, बॉस डायरेक्ट सेलिंग एक सेकंड आपके लिए ऑप्शन है। बट इफ यू आर इनटू अ विस्कस सर्कल, कि अब एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है, अब मैं ना डांसर बन सकता हूँ ना एक्टर बन सकता हूँ ना क्रिकेटर बनने की स्कोप बचा है क्योंकि कुछ स्टडीज कर ली, कुछ चुन लिया था रास्ता, तो बस जहां प्रेजेंट लाइफ है, जहां पे अभी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% लोगों का एग्जिस्टेंस है, अगर वो लोग अभी भी ग्रो करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और यहीं से दिस इज सॉल्यूशन टू दोज 90% पीपल, नॉट एवरीवन, नॉट 100% पीपल। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग अंबानी का सॉल्यूशन नहीं है सर। अब अंबानी भी इवेंचुअली उस कंपनी में नहीं है जिस कंपनी को छोड़ के लोग बर्बाद हो जाते हैं, अंबानी भी उसका हिस्सा नहीं है बाई चांस। तो अब जो है सर, वो जो 10% लेयर अपने लिए सब कुछ कर सकती है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, उसके अलावा 90% लोग हैं जो कैपेबल तो हैं लेकिन 1-2 बेसिक चीजों की बहुत मिसिंग है, जैसे आइडिया है, मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं, कैपिटल नहीं है। सेकेंड थिंग, जब एज थी तब माँ बाप के पास पैसा नहीं था, पढ़ते रहे, क्रिकेटर बन सकते थे, बट उस एज में माँ बाप के पास फंडिंग नहीं थी, सोर्स नहीं था, लेकिन ये लोग अभी भी कैपेबल हैं। एक आदमी क्रिकेटर बन सकता है तो और भी बहुत कुछ बन सकता है लाइफ में, एक आदमी एक्टर बन सकता था तो बहुत कुछ कर सकता है, यानी कुल मिला के हार्ड वर्किंग पर्सन। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग सर्व्स अ पर्पस। अगर हम यहाँ पर इस माइंडसेट के साथ लोगों को इन करें, उनको एजुकेट करें, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निकलिटीज बताएं, क्या इसमें हासिल कर सकते हैं, कितने टाइम में हासिल किया जा सकता है, उनको बहुत क्लियर वाई करें, प्रोडक्ट पे एजुकेट करें, देन उनको बताएं कि ये बिजनेस किस तरीके का है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ 6 महीने में लाख रुपए, 1 साल में लाख रुपए। सर कोई भी करियर आप कहीं पर भी स्टार्ट करते हैं ना सर, ये जो इतनी छोटी सोच डायरेक्ट सेलिंग में लेके आदमी आता है, एक ठेला लगाने वाला ये नहीं सोचता कि 6 महीने में मुझे लाख रुपए कमाना, एक इंजीनियर ये सोच के 4 साल इंजीनियरिंग नहीं करता कि मेरे को सीधा लाख रुपए में जाना, वो अपना बेस्ट करता है फिर जहां पर भी पोस्ट हो जाए। एक शोरूम वाला ये सोच के नहीं शोरूम चला रहा है कि मेरे को 6 महीने में लाख रुपए कमाना, वो भी सिर्फ अपना बेस्ट कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बेस्ट करने नहीं आते, पैसा कमाने आते, डायरेक्टली चाहिए, पता नहीं वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो डायरेक्टली करेंसी में कन्वर्ट होती है। क्रिकेटर बेस्ट करना चाहता है क्योंकि उसे पता है बेस्ट करने का पैसा मिलेगा। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सेम नहीं कमा रहे, दे नो इट। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या सेम नहीं कमा रहे। द पर्सन हु इज गिविंग देयर बेस्ट वो अर्न करता है। आप स्टडीज में अपना बेस्ट देना चाहते हो, क्रिकेट में आप बेस्ट देना चाहते हो, आप मूवीज में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आप जॉब में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप पैसा चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है सर, ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक, हाउ टू गिव योर बेस्ट, एंड इस इंडस्ट्री को 100% क्लियर किया जाना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहली जरूरत तो पिछले 25 साल का एजुकेशन सिस्टम,
कि पहले तो 25 साल के एजुकेशन सिस्टम को बुलाना पड़ेगा, जिसने लोगों को एक चीज बताई, इंडस्ट्री जुड़े, मतलब नोट छापने की मशीन लगी, अब बस छापे जाओ छापे जाओ छापे जाओ। हमारे यहाँ एक कन्वर्जन है ना, स्टार्टिंग ए करियर, गिविंग योर बेस्ट एंड अर्निंग वेल, ये है ही नहीं हमारे यहाँ। क्या प्रोसेस है? ज्वाइन ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड बिकम ए बिलियनेयर। ये बीच वाला बेस्ट तो मिसिंग है इसमें, चाहे वो टीम डेवलपमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, सेमिनार कंडक्टिंग है, बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम कंडक्शन है, आपने बोला कम्युनिकेशन है, अपग्रेडेशन इन पर्सनैलिटीज है, कुछ नहीं है सर। आज बस एक चीज बताया जाओ, तुम भी करोड़पति बन सकते हो, तुम बन के रहोगे, एक दिन यही कंपनी होगी तुम्हारे को अरबोपति बना देगी। बस ये सब फेक एजुकेशन का माहौल चल रहा है। तो आई थिंक वी शैल स्टार्ट विद बेसिक्स।